अरे यार, बस इतनी सी बात है। इसमें क्या परेशानी है? वो तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारा ये मसला पहले ही हल कर देती। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम मेरे पास आना, तुम्हें जो भी पसंद आए ओकेजन के हिसाब से वो तुम ले ले। अम्मी नहीं मानेंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अम्मी को मैं मना लूंगी, और वैसे भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे कपड़े लेके जाते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको पता है मेहंदी कल है? कल? कल है, मगर कल तो तुम जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कल तो तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे घर में लगेगा। क्या मतलब? बाहर चलो, बताती हूँ। हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप चलें? Of course, आ जाओ। देखो, मेरा भाई बहुत लंबी फ्लाइट लेके आया है, आगे बैठ जाना। मैं पीछे बैठती हूँ पहले। That's like my girl. तो मैं आंखें बंद करके सो भी सकती हूँ, और हेडफोन्स लगा के गाने भी सुन सकती हूँ, और अगर फिर भी तुम दोनों डिस्टर्ब हो रहे हो तो मुझे किसी मॉल में भी छोड़ सकते हो। तुम बस एक काम करो, खामोशी से बैठिए। पॉसिबल? ठीक है, तुमसे बात नहीं करते, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। दिलनशीन, ये बताओ कि तुम सरप्राइज तो हो ना, तुम्हें हमजा ने कहीं बताया तो नहीं था कि ये वापस आ रहा है? सरप्राइज क्या, मैं तो शौक हूँ। हैरानी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि हमजा वापस आ गया। नहीं, इसमें खुशी की क्या बात है? ऑफ कोर्स इसमें खुशी की क्या बात है, वैसे भी मैं 2-3 दिन में वापस चला जाऊंगा। ऐसे ही बोल रहा है? सिर्फ तुम्हारा प्यार मेजर करने की कोशिश कर रहा है। ब्लशिंग? हाँ। अच्छा प्लीज, तुम लोग मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों? वो भाभी की बहन की ढोलकी है ना, तो मैंने वहाँ जाना है। अरे यार, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, मतलब तुम जाने की बात कर रही हो। देखो यार जरा, मेरा भाई इंग्लैंड से आया है और ढोलकी ज्यादा इम्पोर्टेंट, और सीधी तरह मेरे घर चलो, खाना वाना खाओ, उसके बाद जाना। यार आज नहीं हो सकेगा, और अम्मी भी नहीं मानेंगी, पता है भाभी भी नाराज हो जाएंगी। तो तुम्हें कपड़े भी तो पिक करने हैं ना, उसका क्या होगा? नहीं रिदा, मैं मैनेज कर लूंगी। तो मैनेज कैसे करोगी, इतने सारे कपड़े हैं, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम सेलेक्ट कर लेना। क्या सीन है भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, इसको कपड़े चाहिए मेरे घर से, मैं कह रही हूँ चलो साथ ले लो। हाँ तो चलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम हो शायद, तुम्हें इग्नोर कर रही है। सीरियसली? ये रहे तुम्हारे सारे कपड़े, अब इसमें से तुम देख लो, तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है वो तुम डिसाइड कर लो और ले जाओ। देखो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिदा, मैं इतने सारे ड्रेसेस का क्या करूंगी, तुम्हें जो समझ आए तो मुझे वो दे दो ना। ये वाला, ये ज्यादा अच्छा है, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या कह रही थी तुम, कि तुम्हें मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई? हम्म,
बताकर भी तो आ सकते थे ना। तो फिर हिना को मैं इस पार्क कैसे देखता? अच्छा मुझे बताओ कि अगर वक्त है तो फिर हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं। नहीं नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। वो तो मैंने ऐसी रदा से जिक्र कर लिया था, वो मुझे जबरदस्ती लेकर आ गई तो मैं आ गई। दिलनशीन फॉर्मल क्यों हो रही हो? यू नो दैट आई लव यू राइट? अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? Nice, no?